नमस्ते दोस्तों, मीनू के हरे भरे छत पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 14 सितंबर दोस्तों, और सुबह सुबह ही मैं अपने छत पे आ गई। सुबह के लगभग 8 बज रहे होंगे और देखिए कितना सुंदर ये फूल खिले हुए हैं। काफ़ी फूल हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, और मेरे छत पर आपको बहुत थोड़ा सा फूल नज़र आता होगा, तो उसका भी बहुत कारण है दोस्तों, लेकिन उतना ही काफ़ी है इनको बुलाने के लिए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पॉलिनेटर है, तो देखिए इनको बुलाने के लिए इतना फूल काफ़ी है। आ जाते हैं इनका मतलब फूलों का महक लेने के लिए और मेरी सब्जियों को अच्छी खासी फ्रूटिंग देने के लिए। तो ये तो रहा फूलों फूल दोस्तों, और इन्हीं फूलों के साथ आपका मैं स्वागत करती हूँ। अच्छा लग रहा था इसलिए सोचा कि आपको एक नज़ारा दिखा दूँ ये। तो चलिए आज मैं फूलों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ दोस्तों, बात कर रही हूँ दोस्तों इस छत पर लगे हुए कद्दू के पौधे के बारे में। तो ये कद्दू का पौधा मैंने छत पर लगाया हुआ है, और देखिए इसमें दो कद्दू लगे हुए हैं और ग्रोथ है दोस्तों। तो ये कद्दू का पौधा मैंने छत पर कैसे लगाया है चलिए जानते हैं। तो छत पर कद्दू का पौधा लगाने के लिए एक पॉट की आवश्यकता होती है दोस्तों, और जब भी आप कद्दू का पौधा लगाएं तो पॉट साइज जो है कि बड़ा रखें। जैसे देखिए ये थर्माकोल बॉक्स है, तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें दो कद्दू लगा दिया है। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा दोस्तों, आप यदि थर्माकोल बॉक्स में लगा रहे हैं तो एक ही कद्दू का मतलब बीज लगाइएगा, एक ही पौधा रहेगा तो अच्छा फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि ये मतलब बड़ा बड़ा होता है कद्दू, तो इसके लिए एक ही इस पार्ट में एक ही बीज काफ़ी है कद्दू का। तो चलिए पार्ट साइज जो है कि इसके लिए बड़ा रखिएगा। और मिट्टी की इसको भरने की बात करें तो इस बॉक्स को मैंने सूखे पत्ते और किचन मिर्च से ही ज़्यादा से ज़्यादा भरा है, और फिर इसके बाद मिट्टी मैंने बेल वर्गीय सब्जियों के लिए जिस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ वही मिट्टी तैयार करके पूरा भरी हूँ, और इसके बाद बीज लगा दी हूँ कद्दू का। तो बीज जुलाई में लगाई थी दोस्तों, और आज है 14 सितंबर, तो जो है कि ये कद्दू में मतलब कद्दू लगा हुआ है, और अभी दो चार दिन में हार्वेस्ट करने के लिए भी मुझे कद्दू मिल जाएगा। तो बीज लगा दें, और जब बीज लगाने के बाद उसमें नमी बना के रखें मिट्टी में, और जब बीज जो है कि जर्मिनेट हो जाए आपका तब थोड़ा मतलब पानी का ख्याल रखें, मतलब बहुत ज़्यादा भी वाटरिंग नहीं करना है और बहुत कम भी वाटरिंग नहीं करना है जिससे कि पौधा सूख जाए, तो उसका ख्याल रखेंगे। और इसके बाद जब कद्दू के पौधे में 4-6 पत्ते आ जाएं, तब आप उसमें कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत सारा मेरे चैनल पर अपलोड है, और कंपोस्ट भी, तो उसमें से जो भी आपको सुविधा अनुसार मिले उसका हफ्ते दर हफ्ते मतलब एक एक हफ्ते बाद प्रयोग करते रहेंगे तो आपका कद्दू जो है कि ग्रोथ करेगा और बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाए कद्दू का पौधा, और इस तरह से देखिए मेल ये फ्लावर है मेल, तो ऐसा फ्लावर की स्टेज पर जब आ जाए पौधा और आने लगे तो आप उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में भी बहुत सारा पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जो कि किचन से ही फ्री में मैंने बना बना के ऐड किया है इस कद्दू में, जैसे कि आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा मिलती है, और प्याज के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र, फिर बनाना पील जो केले का छिलका होता है दोस्तों उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके मैंने हर हफ्ते दर हफ्ते इसमें यूज किया है, जिससे कि देखिए ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि थोड़ा गलती हो गया मुझसे, एक ही पार्ट में दो पौधे हैं, बट कद्दू लगा हुआ है, दो कद्दू है, और हार्वेस्ट करने के लिए भी अब मिल जाएगा मुझे विश्वास है। तो ये देखिए रहा कद्दू। तो इस तरह से पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देने के बाद, और मैं जो केले के छिलके से कंपोस्ट बनाई थी अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो उस कंपोस्ट का भी दो तरह से यूज किया था मैंने, एक तो सॉलिड रूप में और एक लिक्विड
फर्टिलाइजर बना करके। तो केले के छिलके से कंपोस्ट कैसे बनाएं, ये भी वीडियो अपलोड है चैनल पर। क्योंकि मैं जो भी मतलब अपने सब्जी के लिए जो भी फर्टिलाइजर या कंपोस्ट यूज करती हूँ वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, जो सब लोग फेंक देते हैं दोस्तों किचन का कचरा समझ करके, तो वही मैं यूज करके अपनी छत पर सब्जियाँ भी लगाती हूँ और वही उन्हीं सब का यूज करके ये देखिए अच्छी खासी आर्गेनिक सब्जियाँ भी हार्वेस्ट करती हूँ। तो देखिए ये कद्दू तो थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देखिए अजीब सा थोड़ा हो गया है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन ये काफ़ी है, ये तो अच्छा इसमें अच्छा ग्रोथ है, बड़ा भी है। और देखिए अभी 4-6 दिन मैं वेट करूँगी, इसके बाद हार्वेस्ट करूँगी। तो जब भी मैं हार्वेस्ट करूँगी तो ज़रूर से दिखाऊँगी कि ताकि आपको मतलब जो नए लोग हैं जो तो गार्डनिंग कर रहे हैं जो मेरे मित्र वो तो जानते ही हैं और स्वाद भी ले रहे हैं आर्गेनिक सब्जियों की, लेकिन जो मित्र नए हैं और जो लोग मतलब सोचते हैं कि छत पर सब्जी बहुत, मैं तो गांव में रहती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे मतलब ये कहते हैं कि छत पर सब्जी वो कैसे, तो मतलब उन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ छत पर भी कोई भी सब्जी आप लगा करके थोड़ा सा केयर करेंगे और इसके बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं आर्गेनिक सब्जियाँ। और ये एकदम 100% ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ मतलब जो किचन से निकलता है उन्हीं का फर्टिलाइजर बनाती हूँ, उन्हीं सब जो वेस्ट होता है उसी का मैं कंपोस्ट बना करके अपनी सब्जियों में यूज करती रहती हूँ। और उन्हीं कारण से देखिए काफ़ी मतलब आप अक्सर आप देखते होंगे हार्वेस्टिंग का वीडियो, तो डेली मतलब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सब्जियां मुझे छत से ज़रूर से निकलती हैं। और ये जो कद्दू या बेलवर की सब्जियां होती हैं उनका लाइफ जो है कि लगभग 3 महीने का होता है, तो इस वजह से हमें हर हफ्ते उन्हें कंपोस्ट देना होता है, क्योंकि कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना होता है, क्योंकि छत पर जो है कि मिट्टी सीमित होती है और पार्ट भी जितना बड़ा पार्ट आप देंगे सब्जी के लिए तो उतना ही मिट्टी आप भरेंगे और उतने ही मिट्टी में वो सब्जी को ग्रोथ भी करना होता है, फ्रूटिंग भी करना होता है, तो इसलिए फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का तो प्रयोग आपको हफ्ते दर हफ्ते करना ही पड़ेगा। तो वो भी ख़रीदना नहीं है दोस्तों, वो सारा हमारे घर में ही मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना है और जानकारी इकट्ठी करके आप भी अच्छी खासी सब्जियाँ अपनी छत पर लगा सकते हैं और हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बहुत सारा मतलब तो कद्दू नहीं, मुझे लग रहा है 2 ही कद्दू मिलेगा, क्योंकि अभी कोई नया कद्दू नहीं लगा हुआ है छोटा कि मैं आपको दिखाऊं, इन्हीं को अभी सारे पौधा जो है एनर्जी अपना इन्हीं को ग्रोथ करने में दे रहा है, तो इसलिए कोई भी कद्दू छोटा लगा नहीं है। तो ये रहा कद्दू कैसे मैं लगाई हूँ तो छत पर, तो कैसा लगा आपको जानकर, और आप नए हैं तो ज़रूर से लगाइएगा, लगा करके ट्राई कीजिएगा, अभी भी समय है, सितंबर में भी आप लगा सकते हैं कद्दू का बीज और आप हार्वेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हो जाता है कद्दू छत पर, तो सितंबर में भी आप लगा कर ट्राई कर सकते हैं, एक कद्दू का बीज ज़रूर से लगाइएगा और ट्राई करिएगा। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।